आम का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आम से कुछ मीठा बना लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो टर्किश डिलाइट। यहाँ पे मैंने सफ़ेद आम लिया है और इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े करके फिर ग्राइंडर में डाल रही हूँ और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अगर आम में रेशे होता है तो उसे बिल्कुल छान लेना। देखिए मेरा स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है, करीबन एक कप हुआ है जिसे मैंने पैन में डाल दिया है। लो फ्लेम में हमें इसे कुक करना है। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें चीनी डाला है, चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लेना। अब मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको पानी से मैं थोड़ा मिला लूँगी और थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी और मिलाते जाऊँगी। स्पैचुला को हमें लगातार चलाना है क्योंकि ये नीचे लग सकते हैं, लो फ्लेम में हमें करना है। 15 मिनट तक हमें इसे कुक करना है, तभी जाके इसका जो ठीक कंसिस्टेंसी इस तरह आ जाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इजीली घर में बना सकते हैं। अब मैं एक बोल को थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी तेल से और इस मिक्सचर को उसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा टैप कर लूँगी ताकि इसमें बबल ना आ जाए और ढक के रख दूँगी। ठंडा होने के बाद हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है ओवरनाइट या 7 से 8 घंटा। उसके बाद आप इसे डिमोल्ड कर लीजिए। अब डिमोल्ड करने के बाद मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए मेरा चाकू इजीली जा रहा है, कहीं पे चिपक नहीं रहा है। और अब मैं इसको डेसिकेटेड कोकोनट यानी ड्राई कोकोनट पाउडर से कोट कर लूँगी और उसे सर्व करूँगी। तो देखा आपने, ना घी ना तेल ना मावा, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आम से ये बना लो और इतना अच्छा टेस्टी होता है। एंजॉय। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।